हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज का बैकनेक डिज़ाइन बनाना। तो इसके लिए मैंने मेन कपड़े और अस्तर की कटिंग और मार्किंग कर लिया है। तो मेजरमेंट दिखाती हूँ। तो डबल फोल्ड में जो अस्तर की चौड़ाई है वो है 9.5 इंच, ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, और इसका जो शोल्डर है वो है 6 इंच का, और इसकी गले गहराई है वो है 3 इंच, और इसका जो आर्म होल है वो है 7 इंच का, और इसका जो पीछे वाला गला है वो है 10.5 इंच का। तो आपका जो भी मेजरमेंट हो आप उस मेजरमेंट से ऐसे मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद हम मेन कपड़े को हटा के जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उस पर हम पहले जो हमारा नेक का शेप है उसको बनाएंगे। तो चौक को बिल्कुल दबा के लगाना है ताकि दोनों साइड हमारा निशान बन जाए। तो कुछ इस तरह से मैं इसका नेक का शेप बना रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल नेक है। इसमें हम बाद में डिज़ाइन बनाएंगे, तो पहले कुछ इस तरह से नॉर्मल नेक बना लेना है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमारा निशान बन गया है। अब इसको हम मेन कपड़े पर रख के बीच में एक दो जब पिन लगा लेंगे, और जैसे जैसे हमने चौक से मार्किंग किया है उसी पे बिल्कुल आपको सिलाई डाल लेना है। तो इस तरह से सिलने से जो लोग नए हैं उनसे भी किसी भी तरह का नेक का शेप वो दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने नेक पे सिलाई लगा लिया है। अब हम नीचे भी एक सिलाई लगा देंगे। तो अगर आपको पट्टी लगाना हो तो यहाँ पे आप पट्टी भी लगा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको गले के साथ सीधा कर देती हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा ही यहाँ पे सिलाई डाल लेती हूँ। तो ये मैंने नीचे भी एक सिलाई डाल लिया है। अब उसके बाद हम पिन को हटा देंगे और सिलाई से बाहर आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ सीधा हो जाएगा। फिर फिटिंग वाले साइड से ऐसे दूसरे फिटिंग वाले साइड में हम मेन कपड़े को लाएंगे, और इस तरह से ये हमारा जो गला है वो सीधा हो जाएगा। अब इसको फिनिशिंग देने के लिए इस पर हमको एक फिनिशिंग की सिलाई डालनी पड़ेगी ताकि जो हमारा अस्तर और मेन कपड़ा है एक साथ अच्छे से बैठ जाए, और जो भी हमारा नेक का शेप है वो बिल्कुल अच्छे से दिखे। तो किनारे किनारे पे बिल्कुल आपको फिनिशिंग की सिलाई डाल लेनी है। तो ये मैंने फिनिशिंग की भी सिलाई डाल ली है। उसके बाद एक हम कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच होगी। देखिए 2.5 इंच है। अब इसको किसी एक कोने से ऐसे रोल करते हुए आना है। इसको बिल्कुल पतला लपेटना है, और पूरे में नहीं लपेटना है, आधे में लपेट के और इसको एक पास इकट्ठा करके इस पर एक हम सिलाई डाल लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से ये मैंने इसमें सिलाई डाल लिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के हटा देंगे, और ऐसे ही जितनी हमको ज़रूरत है उतना बना लेना है। तो ये मैंने बना लिया है। अब इसको हम जो हमारा गला है उस पर लगाएंगे। तो एकदम गले में बिल्कुल लगाना है। तो देखिए किस तरह से इसको लगाना है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए जो बाहर वाला साइड है वो आगे पीछे हो जाएगा, तो सही है, वो आप काट के अलग कर सकते हैं। लेकिन जो इसका किनारा है उसको बिल्कुल आपको मिला मिला के लगाना है ताकि इसमें फिनिशिंग आए। देखिए मैं बिल्कुल मिला मिला के लगा रही हूँ, और बाहर का एक्स्ट्रा हो जाएगा तो आप उसको काट के हटा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा दी है, और बाहर का जो एक्स्ट्रा है उसको आपको काट के हटा देना है। तो ये मैंने बाहर वाला काट दिया है। अब इसको और फिनिशिंग देने के लिए इस पर हम लेस लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप पतला ही लेस लगाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना मोटा डिज़ाइन हो चुका है, और इस पर अगर आप चौड़ी लेस लगाएंगे तो हमारा गला पलटने लगेगा। तो इस पर जितना हो सके फ्लेक्सिबल और पतला लेस लगाइए। तो ये बहुत ही हल्का और पतला लेस है, वो मैंने लगा लिया है। उसके बाद ऐसे हमको ट्रायंगल बना लेना है। तो बिल्कुल ये नॉर्मल आपको चरकोन कपड़े को लेकर इसको ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देना है, और इसको भी आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से बना लेना है। तो ये देखिए मैंने बना लिया है। अब थोड़ा सा गैप देके जो हमने पहले डिज़ाइन बनाई थी उससे 1/2 इंच गैप देके इस ट्रायंगल को लगाना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आप लोग को शेप में लगाने नहीं आता है, तो आप जो डिज़ाइन है वहाँ से इंची टेप की मदद से 1/2 इंच पे पहले मार्किंग कर लीजिए जिस तरह से डिज़ाइन है, उसके बाद उस पर लगाते जाइए। अगर आप लोग मेरे तरह लगा सकते हैं डायरेक्ट, तो आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो इसको बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रख रख के लगा देना है। तो ये जो हमारी डिज़ाइन है थोड़ी सी हैवी डिज़ाइन है, लेकिन ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अगर आप लोग जो भी बनाइएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा आपने बनाया है और कैसा लग रहा है। तो देखिए मैंने ट्रायंगल को लगा दिया है, और इसका जो किनारे है उसको भी मैंने छांट लिया है अच्छे से। अब इस पर भी हम फिनिशिंग देने के लिए लेस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ भी मैं पतली और एक बिल्कुल हल्की लेस यूज कर रही हूँ। तो आप लोग भी हो सके तो पतली लेस यूज करिए। तो आपको कोई भी आप लेस यूज कर रहे हैं, तो अगर आप लोग हैवी डिज़ाइन बना रहे हैं तो उस पर डबल सिलाई लगा दीजिए ताकि हमारा लेस अच्छे से बैठ जाए। तो मैं यहाँ पे एक ही आपको सिलाई डाल के दिखा रही हूँ, लेकिन आपको डबल लगा लेना है। उसके बाद सिलने के बाद आपको इसको बिल्कुल फिनिशिंग देना है। जो भी धागा या कपड़ा एक्स्ट्रा निकला उसको बिल्कुल छांट लेना है, और उसके बाद ये जो हमारी डिज़ाइन है उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। और ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी है, और इसमें मैंने डोरी लगा लिया है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये डिज़ाइन कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।